असिया को अच्छे लगे, असिया राम को लगे प्यारी। देखिए उस समय की बात है कि जब सीता माता गिरजा पूजन के लिए, गौरी पूजन के लिए फुलवारी में गई है, मंदिर में गई है, उस समय प्रभु श्री राम से उनकी पहली मुलाकात होती है। क्या मनमोहक दृश्य है, आइए इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। हाँ, दोनों हाथों से धनुष उठा।
रखवर सबकी नजर पड़ी रह गई वर्मा लासिया ने डाली राम को चारों अखियां लड़ी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदिनी देख कर राम जी को जनक देखी भक्त लोग जब सीता जी के रावण हरण करके लंका नगरी लेके चल गिल बाड़े तब प्रभु रामचंद्र जी बड़ा परेशान बनी आ उहां के आपन भक्त हनुमान जी के लंका नगरी भेजा तनी आ निशानी के रूप में एगो मुनरी देतनी आ कहतनी कि इले जाके तू सीता जी के देखाई हा उ जरूर पहचान जई हैं कि तू हमार दूत हुआ आ साथे साथे उहां के और का कहतनी आई सुनल जाओ ई भजन के माध्यम से खबरिया हनुमत जल्दी आइहा लेके मोरा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी आइहा लेके मोरा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी आइहा चल
जल्दी से कौनो सीता जी के खबर सुनाओ हमरा के। समय के बात बा जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल नगरिया छोड़ के मथुरा जाता ने, तब सखी सहेली लोग पूछता बनवारी से कि हे बनवारी, रउआ तो गोकुल नगरिया छोड़ के जाता ने, लेकिन ई बता के जाई कि रउआ दोबारा कब आई। गोकुल Hi।
झुकाए, बजरंगी के गुन गाए। क्यों सबसे बलवान है बजरंगी, सबसे बलवान है बजरंगी, सबसे बलवान है बजरंगी, सबसे बुद्धिमान है बजरंगी। जितना राधा रानी रोई कान्हा के बिना,
मत पे रोए। शान शौकत पे रोए, वक्त मोहलत पे रोए, यार की हालत देखी अपने किस्मत पे रोए।
कहानी राधा प्रेम दीवानी मेरा तरस दीवानी राधा प्रेम दीवानी मेरा तरस दीवानी बन गई दासी बन गई दासी बन गई रानी राधा प्रेम प्रेम।